प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो प्रकरण लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, वह आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत संकलित है और उसका शीर्षक है भारतोवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भाग द्वितीय। इसके प्रथम भाग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और आप जानते हैं कि इसके लेखक महान रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आइए बच्चों, द्वितीय भाग में मैं इस पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंशों से आपको अवगत कराता हूं। देखिए, मैं एक अंश का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए, उसके बदले यहां के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहां इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की संख्या ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। आइए बच्चों, इस अंश को समझने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। प्रथम भाग में मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड का उदाहरण भारतेंदु जी ने दिया था, उसकी चर्चा मैंने आपसे की थी कि वहां जो कोचवान है, मजदूर है, वह भी अपने समय का कैसे सदुपयोग करता है। तो उन लोगों ने समय का सदुपयोग किया है और जो समय का उपयोग करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। यदि आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और यदि समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। उसके बदले यहां के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। हमारे परिवेश में यदि आप कुछ नहीं करते हैं, अकर्मण्य हैं और आपके पास अकूत धन संपत्ति है, केवल भोग करते हैं, तो आप अमीर हैं, धनवान हैं। आलस यहां इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और जब कर्मशीलता का प्रश्न ऐसे लोगों के समक्ष उठाया जाता है तो वह यही उत्तर देते हैं कि भगवान ने जन्म दिया है तो भोजन की भी व्यवस्था कर ही देंगे। तो यह जो भाग्यवादी सोच है, यह भाग्यवादी सोच उसे आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हमें कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी ने भी कर्म की प्रधानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया रामचरितमानस में। आइए बच्चों, तो मलूक दास का यह जो दोहा है, यह दोहा आलसियों के लिए है, अकर्मण्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसलिए ऐसी मानसिकता और प्रवृत्तियों से हमें बचना होगा। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की संख्या ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, बिना काम करने वाले समाज में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है,
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस एक कहे एक अनसो कहां जाए का करे। अकबर के समय के अकाल का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि उस समय ऐसा अकाल पड़ा था खेती न किसान को कि किसान अपने खेत में बीज बोने में असमर्थ था, भिखारी को भिक्षा भी नहीं मिल रही थी, व्यापार वाणिज्य ठप्प थे और आजीविका के विहीन होकर लोग एक दूसरे की ओर देखते थे और पूछते थे कि कहां जाएं और क्या करें। यह जो स्थिति है वह समाज के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है और उस समय की स्थिति का भारतेंदु जी ने इसी प्रकार से वर्णन किया है कि चारों ओर जो है वह दरिद्रता की आग लगी हुई है, रोजगार नहीं है लोगों के पास और जब रोजगार नहीं होगा तो जाहिर बात है कि भरण पोषण भी नहीं होगा, पेट भी नहीं भरेगा। आगे देखिए बच्चों, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। पर्दा कहानी यशपाल की यदि आपने पढ़ी हो तो उस कहानी के अंत में जब पर्दा गिर जाता है तो उस घर के अंदर की जो औरतों की जो दशा उस कहानी में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन भारतेंदु जी ने यहां पर किया है कि दरिद्र कुटुंबी जो है जिस कुटुंब के मालिक के पास धनाभाव होता है अर्थ नहीं होता है वह कैसे अपने परिवार और सम्मान को बचाता हुआ फिरता है, उसका वर्णन भारतेंदु जी ने इन पंक्तियों में किया है। वही दशा हिंदुस्तान की है, भारत की भी दशा हिंदुस्तान की भी दशा कुछ इसी प्रकार की है, इसलिए हमें इस दशा पर विचार करना चाहिए और उसे कैसे दूर किया जाए, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। तो आगे देखते हैं बच्चों कि आगे के अंश में भारतेंदु जी ने क्या कहा है। मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने पुकरवाओगे, दौड़ो। इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, फिर कब राम जनकपुर आई है, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। आइए देखते हैं बच्चों, मर्दुम शुमारी अर्थात जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। जो जनगणना की रिपोर्ट है वह बताती है कि हमारे यहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन उत्पादन घट रहा है, और जनसंख्या वृद्धि और उत्पादन में यदि एक आनुपातिक वृद्धि नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह समाज धीरे धीरे पिछड़ता चला जाएगा, क्योंकि अर्थ जीवन का एक आधार है और बिना उस आधार के किसी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र का भविष्य निर्मित नहीं हो सकता। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। लेखक देखिए क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का हमें उपाय करना चाहिए कि बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने आय को बढ़ाएं और बिना कुछ सार्थक कार्य किए
बिना रोजगार परख हुए, हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। हमें कभी यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि कोई अमीर, कोई राजा महाराजा हमें धन संपत्ति से भर देगा, अथवा भाग्यवादी तरीके से पंडित जी हमें कोई ऐसा उपाय बतला देंगे कि हमारे पास धन संपत्ति हो जाएगी। यह सोच हमें पीछे की ओर ले जाती है। तुम आप ही कमर कसो, स्वयं को सक्षम बनाइए, स्वयं स्वावलंबी बनिए, आलस छोड़ो। आलस्य का, जिस आलस्य की चर्चा भारतेंदु जी ने इस निबंध में सबसे पहले की है, उसी आलस्य का परित्याग करने की बात कह रहे हैं। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने पुकरवाओगे। इन शब्दों का वाचन मैंने अभी किया, जिसे आपने सुना, और भारतीयों के प्रति यह व्यंग भी है कि कब तक ऐसे शब्दों की मार आप सहते रहेंगे। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। घुड़दौड़ यदि आपने देखी हो तो घुड़दौड़ जैसे एक साथ शुरू होती है, हरी झंडी दिखाकर या सीटी बजाकर, और उस दौड़ में यदि कोई पीछे छूट गया तो फिर आगे निकलना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। वही बात लेखक यहां पर कह रहे हैं, भारतीयों से यह अपील कर रहे हैं कि यदि अब नहीं दौड़ोगे तो इतना पीछे छूट जाओगे कि शायद दौड़ने लायक भी न रह जाओ। फिर कब राम जनकपुर रही हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। लेखक यह समझाना चाहता है कि यदि इस रेस में तुम छूट गए तो फिर तुम्हारा उद्धार असंभव सा है। आइए बच्चों, अगले अंश में देखिए। देखिए मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। उनको जाने दो, अपने ही यहां देखो। तुम्हारे यहां धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहां स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, दस दस पांच पांच कोष से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में दो एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। देखिए बच्चों, इस अंश को देखिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, जो समाज जो राष्ट्र धर्म से जुड़ा होता है निश्चित रूप से वह उन्नति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म बड़ा ही व्यापक शब्द है। धर्म की जो व्याख्या केवल हमारे पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि धर्म का जो सीधा संबंध है वह नैतिकता से है, मानवीय गुणों से है। यदि कोई समाज राष्ट्र जिसका नैतिक बल मजबूत होगा,
जिसके अंदर मानवीय गुण होंगे, जो दया, करुणा, ममता, परोपकार, यह जो मूल्य हैं, यह जितना ही मजबूत होगा निश्चित रूप से वह समाज और राष्ट्र उतना ही उन्नतिशील होगा। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है, इसलिए हमें धर्म की उन्नति पर विशेष ध्यान देना होगा। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। लेखक ने अंग्रेजों का उदाहरण दिया है कि उनके यहां जो धर्म नीति है और राजनीति परस्पर मिली हुई है। स्वाधीनता आंदोलन के हमारे अग्रणी नेता महात्मा गांधी जी ने भी स्वयं हमारे देश में राम राज्य का सपना देखा, और राम राज्य कैसा है, राम राज्य बैठे त्रैलोका हरषित भयं गयउं सब शोका, बैरुन को काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। कि राम राजा तो केवल अयोध्या के बनते हैं, लेकिन तीनों लोकों के दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर हो जाते हैं, सभी आपस में परस्पर प्रेम करते हैं, किसी में कोई शत्रुता का भाव नहीं है, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है, सभी स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, निरोग हैं। तो इस प्रकार से जिस राम राज्य का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया है, उस राम राज्य का सपना इस देश में महात्मा गांधी जी ने देखा था। तो राम राज्य तभी संभव है जब हमारी राजनीति धर्म नीति से जुड़कर कार्य करेगी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी, वह राजा निश्चित रूप से नरक का भागी होगा। तो राजा को भी कहीं कहीं धर्म का जब भय रहेगा, तभी राजा एक मुखिया की भांति अपने राज्य की देखभाल करेगा। आगे देखिए बच्चों, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, उनको जाने दो, अपने ही यहां देखो। तुम्हारे यहां धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहां स्थान क्यों बनाया गया है। लेखक ने अपने देश का ही उदाहरण दिया कि आप यदि गंभीरता के साथ, गहराई के साथ विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें धर्म नीति मिली हुई है। जैसे उन्होंने बलिया के मेले का उदाहरण दिया गया है कि यहां पर मेला क्यों लग रहा है, यह स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, दस दस पांच पांच कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। आज यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण पूरा विश्व विश्व ग्राम के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वह समय ऐसा था जब साधनों का इस ढंग से विकास नहीं हुआ था। लोग पैदल यात्रा करते थे, बैलगाड़ी बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, और जो संपन्न वर्ग था वो बैलगाड़ियों से यात्रा किया करता था। तो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, तो वह मेला एक स्थान होता था जहां पर लोग जाते थे, प्रतिवर्ष मिलते थे नात रिश्तेदार, और उनकी हालचाल लेते थे, अपनी जरूरत की तमाम प्रकार की चीजों को भी खरीद लेते थे। बच्चों, एक दूसरे का दुख सुख जाने, मिलकर एक दूसरे की हाल चाल लेते थे, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाए, तो ये चीजें वह खरीद कर ले जाते थे, अपनी आवश्यकता की चीजें। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में दो एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, उपवास की यह जो परंपरा हमारे यहां रही, अब विज्ञान ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि हमारे पाचन तंत्र को सप्ताह में कम से कम एक दिन विश्राम की आवश्यकता होती है, यदि उसे हम विश्राम देते हैं तो वह और हमारा पाचन तंत्र मजबूत
होता है। तो यह उपवास एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता भी अब सिद्ध हो चुकी है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है, त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। म्युनिसिपैलिटी का कार्य क्या है? आपके आसपास आपके नगर की स्वच्छता सफाई आदि करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, हमारे जीवन में जो पर्व और उत्सव आते हैं उन उत्सवों में आप, उन पर्वों में आप अवसर पर आप जरूर अवश्य देखेंगे बच्चों, जैसे दिवाली आने के पहले आप पूरे घर की सफाई करते हैं। प्रतिवर्ष आपके घर में दो बार अवश्य सफाई होती है, एक तो दिवाली के अवसर पर और एक होली के अवसर पर। एक तरह से ऋतु परिवर्तन भी होता है, पूरे घर की ठीक ढंग से साफ सफाई और की जाती है। तो यह त्योहार केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है, अपितु कहीं न कहीं इसका एक सामाजिक विवेक भी है। आप रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो अलमारियां रखी हैं या कोई भारी सामान रखा है उसके नीचे जो कूड़ा कचरा धीरे धीरे जमा हो जाता है वह वहीं पड़ा रह जाता है, किंतु इन त्योहारों पर उसकी सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों दिवाली होली जैसे इन त्योहारों की हमारे जो सामाजिक जीवन में एक वैज्ञानिक उपयोगिता भी सिद्ध होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। बच्चों इस जो समाज धर्म है उसकी चर्चा लेखक ने अभी इसके पूर्व अंश में की, और यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार हम अपने परंपराओं में जो संशोधन करते रहते हैं वही वास्तव में परंपराएं स्वस्थ मूल्यों के रूप में विकसित होती हैं। किंतु दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। कि जो धार्मिक नैतिक आधार पे जो जीवन प्रणाली हमारे यहां बनाई गई थी उनमें कुछ लोगों ने अति बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उनमें विकार उत्पन्न कर दिया, और उन विकारों के कारण कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कुठारा घात हुआ। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए।
अब हमें परखना होगा कि उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए आज अनुपयोगी हैं, अवैज्ञानिक हैं, अतार्किक हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। और तो कुछ का ग्रहण करना है और कुछ का त्याग करना है, तभी हमारे जो है वह स्वस्थ मानवीय मूल्यों का विकास होगा और हमारा समाज और अधिक गतिशील और मजबूत होगा। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। अब ये जो जहाज का सफर और विधवा विवाह है, हिंदू धर्म शास्त्रों में दोनों का निषेध है, किंतु क्या इसे रोकना समाज के हित में है? नहीं। तो इन चीजों को अगर धर्म का सहारा लेकर अगर ऐसी कुरीतियों को लागू किया जाएगा तो कभी भी एक स्वस्थ समाज और वातावरण का निर्माण नहीं हो सकेगा। आइए बच्चों, अगला अंतिम मंच देखिए आप। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके मां बाप हैं या शत्रु हैं, नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और काल धर्म सीखें, पति की भक्ति कर और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। बच्चों, कुछ कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त रहीं। अभी मैंने पीछे विधवा विवाह का जिक्र किया, उसी में से एक कुरीति बाल विवाह भी रही। लड़कों का छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। जो बाल विवाह है वह किसी भी समाज के लिए अहितकारी है, इसलिए बाल विवाह की प्रथा की निंदा यहां पर लेखक ने की है। आप उनके मां बाप हैं या शत्रु हैं, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की अत्यंत ही कम उम्र में शादी कर देते हैं, वह अपने बच्चों के शत्रु हैं। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। परिवार चलाने का ढंग, परिवार की चिंता करने का ढंग उन्हें सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। क्योंकि जो चार प्रकार के जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उन सब में गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन होता है बच्चों। तो उस गृहस्थ जीवन में, उस गृहस्थ जीवन को चलाने का ढंग सबसे पहले उन्हें सीख लेने दीजिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। हमारे समाज में संपन्न वर्ग में जो एक ही व्यक्ति कई शादियां करता था बहुविवाह के नाम से, इस प्रथा की भी निंदा, कुलीन प्रथा की भी निंदा लेखक ने यहां पर की है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। इस ढंग से लड़कियों को शिक्षा दी जाए कि वह वास्तव में शिक्षित हो सकें। कहा जाता है कि वह एक ही कुल नहीं दो कुल को तारती हैं, क्योंकि वह जन्म किसी परिवार में लेती हैं और एक निश्चित अवधि के बाद उनका शेष जीवन किसी दूसरे परिवार में बीतता है। आगे आने वाली पीढ़ी जो है वह उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करती है,
माता ही किसी बच्चे की प्रथम गुरु होती है। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और काल धर्म सीखें, पति की भक्ति कर और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। जो विभिन्न प्रकार के मतावलंबी इस देश में रहने वाले हैं, उन्हें आपसी शत्रुता छोड़नी होगी, क्योंकि यदि इस समय लड़ने बैठ गए तो हम विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न हो, यदि करनी ऊंची नहीं है तो केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई तात्पर्य और मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए यहां पर जो जाति धर्म आदि की जो दीवारें हैं, अमीरी गरीबी की जो दीवार है, उन सभी दीवारों को गिराकर लेखक ने सामाजिक एकता की बात की है। और निश्चित रूप से यदि सामाजिक समन्वय रहेगा तो वह समाज ज्यादा उन्नति करेगा। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, सबको सम्मान दीजिए उसकी योग्यता के अनुसार। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। जो छुआछूत की भावना उस समय व्याप्त थी उसकी भी निंदा भारतेंदु जी ने की है। और हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम स्थापित करना होगा। सब लोग आपस में मिलिए, सभी लोग आपस में मिलें और प्रेमपूर्ण ढंग से रहें, यही लेखक की मंशा है। आगे बच्चों थोड़ी सी चर्चा मैं लेखक के जो निबंध शैली है उन्होंने इस लेख में विचारात्मक आलोचनात्मक मुख्य रूप से इन दो शैलियों का प्रयोग किया है, साथ ही साथ वर्णनात्मक और गवेषणात्मक शैलियां भी इस निबंध में प्रयुक्त हुई हैं। भाषा आपने देखा कि खड़ी हिंदी बोली है इस निबंध में, और भारतेंदु जी ने ही खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव गद्य में किया। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल, कहकर भारतेंदु जी ने यह बताया कि जो हमारे मन की भाषा है, जो हमारे चिंतन की भाषा है, जब तक उस भाषा में हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारे हृदय का अंधकार दूर नहीं हो सकता। बच्चों और आप यदि मनोयोग से परिश्रम से इस पाठ को पढ़ेंगे तो परीक्षा में उत्तम अंक भी अर्जित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।